सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब, दिस इज सौरभ। सो गाइस, जैसा आप लोग को पता था कि पीआईबी की रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी कि चार बार आपकी परीक्षाएं होंगी, यानी एक बार जैसे जेईई मेन हर बार क्या होता था, दो बार होता था, इस बार चार बार होगा। फरवरी एंड से लेके कॉन्सेक्यूटिव मंथ तक आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप मंथ में हर एक एक मंथ के एंड में आपका एग्जाम होगा और उसमें आप दे सकते हैं। तो अभी तक ये सारी चीजें एक स्पेक्टुलेशन थी कि भाई होगा या नहीं होगा, लेकिन आज एक तो सबसे पहले न्यूज और दूसरा सेक्रेटरी ने भी ये चीज बोल दिया कि ये सारी चीजें होंगी और कराई जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि जेईई मेन का जो 2021 का परीक्षा है वो 16 डेज ऑफ टेस्ट में होगा, 4 साइकिल में होगा, 4.14 लाख क्वेश्चंस होंगे, 384 क्वेश्चंस पेपर होंगे और 12 लैंग्वेज में होगा। अभी कुछ दिन बाद यानी अगले वीक से आप लोग को ये चीज दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, फरवरी के वीक के पहले ही, कि आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी सामने आने लगेगा। और मैं कुछ और चीजें भी सोच रहा हूँ जो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि ये चीज बताओ, अभी तो एक न्यूज के आर्टिकल्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, इन चीजों के बारे में जब बहुत सारी चर्चाएं हुई कि भाई चार बार कराना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन अमित खारे जी बोलते हैं कि बहुत सारे टेस्टेस और भी हैं, जैसे सेट है, जीआरई है, टोईएफएल है, जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, इंटरनेशनल के टेस्ट हैं, जो सिलेक्टिव टेस्ट हैं, वो मल्टीपल राउंड्स में होते हैं। तो इंडिया में भी इस चीज को लाने के बाद एक बढ़िया लेवल बनेगा, हम कंपेयर कर रहे हैं वहां से वहां तक का, और वो चीज भी सही अपने आप में यार कि चार बार एग्जाम होगा। आपके पास दो चीजें अपॉर्चुनिटीज, जैसे बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत रहता होगा भैया बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने ये भी बताया कि बोर्ड एग्जाम जो होते हैं वो स्टेट वाइज काफी लोग डिसाइड करते हैं। जैसे अगर आप सीबीएसई बोर्ड की बात करें, एमपी बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें, महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें, तो वो स्टेट के अंदर आता है। स्टेट अपने अनुसार उन तिथियों का चयन करेंगी जिस हिसाब से आपको एग्जाम देना है। सेकंड थिंग, अगर कोई बच्चा मान लीजिए एग्जामिनेशन के टाइम में उसका जेईई मेन पड़ता है, तो उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि चार एग्जाम में से जो चार बार का फेज है उसमें से किसी एक फेज में वो देगा, या अगर वो चारों फेजों को दिया है तब भी उसके अंदर वो फेज कैलकुलेट किया जाएगा जो सबसे ज्यादा। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पैटर्न में भी बदलाव था, जैसे पैटर्न आपको मैंने बताया था, तो पैटर्न में बदलाव आया है। अब होगा क्या कि आपको सवाल दिए जाएंगे, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस को कर रहे हैं और कुछ को नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक सेलेक्टिव कंपटीशन बढ़ाने के लिए है। मैं आप सभी से ये चाहता हूं कि आप अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हम भी एक मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, उनको लैक ऑफ एडुकेशन है कि भाई हमें क्रैश कोर्स जेईई मेन और जेईई एडवांस का नहीं मिल पाता है, तो हमारी भी पूरी प्रयास रहेगी आपको अच्छा कंटेंट दे ताकि आपको भी मिले। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कंपटीशन किस तरह बढ़ने की उम्मीद है। देखो, जो शुरुआती बच्चे हैं, जो एक से लेके 10,000 या 20,000 या 30,000 तक रैंक लाते हैं, उनके लिए उतना दबाव नहीं है। दबाव 30,000 रैंक के बाद वाले बच्चों के लिए भरसक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़े हैं, और होगा क्या, चार बार, चार तरह की चीजें। और सोचो, अगर आपके पास मैंने दे दिया कि इतने सारे क्वेश्चंस, आप इसमें से कुछ करो, तो मैं भी मेरा पार्ट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का हो मुझे आता हो, और मैं भी अगला पार्ट एसएचएम का हो मुझे नहीं आता हो, एसएचएम वाला मैं छोड़ के हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कर लूंगा। अगर मेरे हिसाब से इस चीज को थोड़ा सा फेयर बनाना है, इस कंपटीशन को थोड़ा सा फेयर बनाना है, तो एनटीए या फिर जेईई मेन को ये करना चाहिए कि जो भी सब्जेक्टिव या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं, जिनमें ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप इसे करो, इसे छोड़ सकते हो, सेम टॉपिक के रहे। लाइक अगर आपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चलता होगा 5 नंबर में अगर एसी का कोई एक क्वेश्चन पूछा तो एसी का ही दूसरा क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें होता क्या है कि जिस बच्चों ने एकदम नहीं तैयार किए उनके लिए, मुझे जहां तक लगता है यार कि एक तरह तो ये सही भी है और दूसरी तरफ ये गलत भी है। आपका क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।